यूपी के रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को भारतीय सेना ने बुधवार को अपना एक बेशकीमती टैंक तोहफे में दिया। भारतीय सेना ने कुछ महीने पहले यूनिवर्सिटी की मांग पर T-55 टैंक दिया था। इस टैंक को पुणे से रामपुर लाया गया। बुधवार को भारतीय सेना ने औपचारिक रूप से जौहर यूनिवर्सिटी को T-55 टैंक सौंप दिया। इस कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल हरीश ठुकराल के साथ सेना की जाट रेजिमेंट की एक टुकड़ी मौजूद रही। T-55 टैंक को 1966 में रूस से खरीदा गया था। 1971 के युद्ध में इस टैंक ने पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। टैंक में 7.62 mm की दो गन, 2.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन है। हम सिर्फ उनको सजावट नहीं करेंगे, बल्कि हम ये चाहेंगे कि आने वाले कल मैदान जंग में उन हथियारों के इस्तेमाल के लिए हमारे नौजवान अपने आप को उसके काबिल बनाएं, उसकी अहलियत अपने अंदर पैदा करें, सलाहियत पैदा करें, और वो द बेस्ट इंडियन, द बेस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और एक बेहतरीन इंसान होने का सबूत दें। T-55 टैंक में एक साथ 4 जवान बैठ सकते हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक आजम खान का कहना है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में टैंक से छात्रों को देशभक्ति का संदेश मिलेगा।